हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। सो दोस्तों, बेसिकली अगर आप इंटरनेट से कुछ अर्न करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो और इंटरनेट से कुछ अर्न करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हमेशा की तरह इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, सबसे पहले तो हर एक वीडियो के प्रूफ की तरह गाइस, इस बार भी इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ आपको बता दूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको YouTube पे ले चलता हूँ, एंड देन यहाँ पे जब आप टूल टिप्स सर्च करोगे तो ये एक YouTube का चैनल है और जिसमें सारे शॉर्ट्स अपलोड हो रखे हैं। सो आप यहाँ पे अच्छे से अगर ध्यान दें तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 193 मिलियन एंड सेकेंड 161 मिलियन। सो ऐसे ही सारे व्यूज यहाँ पे मिलियंस में गए हैं। मिलियंस का मतलब यहाँ से अर्निंग गाइस इतनी हो रही होगी, हाई लेवल की अर्निंग गाइस हो रही होगी। और अगर हम इनकी अर्निंग ही यहाँ से ट्रैक करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। सो गाइस अगर इनका मंथली एस्टीमेट देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए 1.6 मिलियन डॉलर। अगर 1.6 मिलियन डॉलर को हम INR में कन्वर्ट करें गाइस तो बहुत होता है, कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो इतना तो आप भी जानते होंगे। सो अब ये सब आपको कैसे करना है, ठीक है, बात यहाँ पे आती है। देखिए जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि YouTube शॉर्ट्स कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, और अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होके डेली YouTube शॉर्ट्स की इसी निश से रिलेटेड 10 शॉर्ट्स अपलोड करें तो एक महीने में गाइस आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये सब आपको करना कैसे है। सो सबसे पहले तो आपको आना है अपने YouTube पे, और गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सब आपको मोबाइल पे भी कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप से बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं एंड मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप YouTube ओपन कर लोगे एंड देन सर्च में टाइप करोगे हाउ टू मेक वुड। जैसे ही आप इतना टाइप करोगे गाइस तो आप यहाँ पे सजेशन में देख पा रहे होंगे जितने भी आइडियाज होंगे वुड मेकिंग से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप सिंपली कोई सा भी यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है, फिल्टर में, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप क्रिएटिव कॉमन यूज करोगे, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन यूज करने का मतलब वो सारे पीपल्स जो वीडियो बनाते हैं बट अपनी वीडियो दूसरों को पब्लिश करने का अनुमति वहाँ पे परमिशन देते हैं, तो आप बेसिकली वो चीज़ यहाँ पे करके, एंड गाइस यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अब इनमें से गाइस आपको क्या करना है, सिंपली एक आपको कोई सा भी वीडियो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और वीडियो डाउनलोड गाइस कैसे करना है, देखिए सपोज हमें ये वाला वीडियो डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक गाइस यहाँ पे आ जाएगी, एंड आपको यहाँ पे बाई के इधर SS लगाना है, डबल S, ठीक है। सिंपली आप एंटर कर दोगे, जैसे ही आप एंटर कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा और डाउनलोडिंग वाले पेज पे यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जैसे ही यहाँ पे आ जाए तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, आपको ये डाउनलोड कर लेना है गाइस। इतना ही नहीं, और एक बात बताओ यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं अर्निंग से रिलेटेड, वो भी सिंपल, कुछ भी ज़्यादा हाईफाई कुछ भी नहीं करना होता, बस कॉपी पेस्ट वर्क आपको यहाँ पे मिलता है और डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है। अगर आप किसी एक वीडियोस में से एक निश निकाल के उस पर वर्क करोगे तो हम डेफिनेटली श्योर आप कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाओगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपको जाना है कैनवा पे, ठीक है। canva.com के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार इस साइट को विजिट करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। अब हमारा मेन वर्क यहाँ होगा, अब सिंपली देखिए यहाँ पे आपको क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक करना है, एंड देन आपको जाना है YouTube, एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना है YouTube Shorts, ठीक है। जैसे ही आप YouTube Shorts का सर्च करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, एंड देन इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है, एंड देन अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे जो अपलोड मीडिया का बटन आपको दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ से वही चीज़ इम्पोर्ट कर लेनी है। लाइक हमारा ये वाली वीडियो जो डाउनलोड हुई थी, हम ये सिंपली इसे इम्पोर्ट कर देते हैं गाइस। इम्पोर्ट होने में
थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और ये हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। तो सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। देन आफ्टर गाइस आपको क्या करना है, ये यहाँ पे रख के आपको ये पूरा जूम कर देना है, ठीक है, पूरा जूम कर देना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया होगा, ये ओनली इस तरीके से आपको जूम कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है गाइस, यहाँ पे पूरा इसे कवर कर देना है जितना भी है इसे, ठीक है। तो ये कवर करने के बाद गाइस, और यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है इस टाइमलाइन पे, ठीक है, इस टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लाओगे, और यहाँ पे गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके का एक आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से इसे ला के बिल्कुल सेकेंड्स में ला के यहाँ पे इसे ऐसे करके यहाँ ला के ऐसे लीव कर दोगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा एक शॉर्ट्स है, ये 25 सेकंड का है। अगर हम इसे चला के देखेंगे गाइस तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा, ठीक है। आपको इतना करने के बाद आपको सिंपली ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ गाइस, कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको बिल्कुल नॉर्मली सा है। सिंपल से आप यहाँ पर जब इसे डाउनलोड कर दोगे तो बेसिकली ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया। अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, एंड ये फर्स्ट वाला जो है वो एक हमने बना दिया, एंड देन आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आपको फिर से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने उस वाली वीडियो में जो दिखाया था उससे थोड़ा आगे का पार्ट रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कहाँ से, यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंड गाइस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और इसे गाइस यहाँ से थोड़ा सा और इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा हम जूम करके देख गाइस देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ये ओनली एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करके बढ़िया से कुछ वीडियोस ऐसे ही निकालोगे जिनमें जो हमारा ये वाला पार्ट है ये बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो ओनली ये इस वजह से मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर मैं सर्च करूँगा तो बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पे, बिकॉज जो मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश वाला होता है, ट्रेंडिंग वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर हमें फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है गाइस, थोड़ा तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी तो रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक शॉर्ट्स तो वहाँ से बन के रेडी हो जाएगा, एंड देन सेकेंड शॉर्ट्स भी हमारा बन के लगभग रेडी हो गया। सपोज आपको 5 मिनट की कोई क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो मिल गई तो उसमें से आपके ऑलमोस्ट 20 से 15 शॉर्ट्स निकल आएंगे आराम से, और जो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे आपके चैनल को। सो अब आपको यहाँ से ये सब डाउनलोड करने के बाद गाइस आप जानते होंगे यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर लेना है। और गाइस यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, द बेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स ओनली हैशटैग शॉर्ट्स। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़्यादा मेहनत वगैरह कुछ नहीं करनी, आपको बस हैशटैग शॉर्ट्स लिख के एंड यहाँ पे अपने तरीके से कुछ अट्रैक्टिव ऐसा लिख देना है जिससे व्यूअर जो है वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, कुछ यूनिक टाइप का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई इश्यू है तो हमें कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताना, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे ओनली हिंट दे सकता हूँ, ये आप अच्छे से अगर पूरा रिसर्च करके करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से देखने को मिलेगा, बस आइडिया गाइस मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय गाइस, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। I want you to stay.